माँ के बाद बहन ही अपने भाई की ज़्यादा से ज़्यादा कामना करती है उन्नति के लिए। उसी का ये स्वरूप है कि बहनें भाई की दीर्घायु की कामना के लिए उसकी टीका लगाती हैं, नाना प्रकार के व्यंजन बना करके उनको खिलाती हैं। बहनें अपने भाई को टीका लगाती हैं, उनके दीर्घायु की कामना करती हैं, साथ ही दीर्घायु के साथ उनकी संपूर्ण प्रकार की उन्नति के लिए और जो प्रार्थना की जाती है, प्रत्येक भाई का यह कर्तव्य है कि अपने बहन के लिए उसी प्रकार से सामर्थ्यानुसार उपहार दे करके और उसको संतुष्ट करे। हरे कृष्णा। दोस्तों, मेरा नाम है हरदीप दुआ और तुसी देख रहे हो लुधियाना लाइव। लुधियाना लाइव के सारे दर्शकों नूं भैया दूज दियां बहुत बहुत शुभकामनावां। लेकिन भैया दूज क्यों मनाई जाती है, इसका की महत्व है, आओ गल करते हैं पंडित राम यज्ञ द्विवेदी जी के साथ। राम राम पंडित जी। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया दूज है ये, बहन भाई का जो पवित्रतम रिश्ता है, जो पवित्रतम सौहार्द है, और उस सौहार्द की कामना से बहनें अपने भाई को टीका लगाती हैं, उनके दीर्घायु की कामना करती हैं, साथ ही दीर्घायु के साथ उनकी संपूर्ण प्रकार की उन्नति के लिए और जो प्रार्थना की जाती है, तो बहनें अपने भाई के संपूर्ण उन्नति और उनकी निरोगता के लिए कामना करती हैं, और जो उनका अंतःकरण बहन भाई के बीच का जो मधुर संबंध है, वह संबंध और अकाट्य बना रहे, इसी प्रकार से उस मधुर संबंध की स्थापना बनी रहे, इसलिए बहनें माँ के बाद बहन ही अपने भाई की ज़्यादा से ज़्यादा कामना करती है उन्नति के लिए। उसी का ये स्वरूप है कि बहनें भाई की दीर्घायु की कामना के लिए उसकी टीका लगाती हैं, नाना प्रकार के व्यंजन बना करके उनको खिलाती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं। इसके उपलक्ष्य में भाई का भी कर्तव्य है, जिस सौहार्द का परिचय देते हुए बहन ने अपने भाई के दीर्घायु के लिए उन्नति के लिए टीका किया, भगवान से प्रार्थना किया और उसका स्वागत किया, सत्कार किया, उसी प्रकार से प्रत्येक भाई का यह कर्तव्य है कि अपने बहन के लिए उसी प्रकार से सामर्थ्यानुसार उपहार दे करके और उसको संतुष्ट करें। यह बहन भाई के अकाट्य संबंध के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। सो जानते हैं फिर लुधियाना लाइव के सारे दर्शकों को भैया दूज दियां बहुत बहुत शुभकामनावां। हरदीप दुआ नूं दिओ इजाजत। हरे कृष्णा।